सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। आज आपके लिए लेके आया हूँ एक अनोखी चीज जिसको देख के सभी मेरे भाई हैरान रह जाएंगे, खास करके मेरे वो हिंदू भाइयों के लिए जो भागवत गीता को दिल से नमन होते हैं। आओ आपको दिखाता हूँ एक ऐसी भागवत गीता, जो भागवत गीता मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। इसके दर्शन शायद ही किसी किसी को ने किए होंगे, और मैं समझता हूँ कि ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के पास पहुंचनी चाहिए, दुनिया को देखनी चाहिए। इसकी प्रिंटिंग आप देखोगे, क्या एक एक प्रिंटिंग इसकी देखने वाली है। इसमें सबसे खास बात मेरे को जो दिखी है, ये भागवत गीता में ये देखने को मिला कि इसकी जो प्रिंटिंग हुई है वो 3 भाषाओं में हुई है, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। मगर इसको सुनने के लिए हम 14 भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये एक डिवाइस साथ में दिया है, जो सबसे बड़ी आजकल की डिजिटल जमाने की टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर कोने में पहुंचनी चाहिए। आओ इसकी दिखाते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे ये 3 भाषाएं इसमें लिखी हुई हैं, उसी तरह से ये 14 भाषाएं इसमें लिखी हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, नेपाली, असम, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, कन्नड़ा, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश और मलयालम। हिंदी में तो सभी ने पढ़ी होगी, संस्कृत में भी पढ़ी होगी, मगर पंजाबी में जो मेरे भाई हैं, मेरे भरा ने, उन्होंने जरूर सुनावांगे ये पंजाबी डिवाइस में। ये पंजाबी में अब डिवाइस ने काम कर दिया और ये पंजाबी बोलेगी। अब देखो, और ऐसी डिवाइस मेरे ख्याल से तो मैंने पहली बार देखा। अगर इसमें अब पंजाबी में हम सुन रहे हैं, अब इसको हम मराठी में सुनना तो मराठी में सेंस करेगी। है मराठी धृतराष्ट्र ने विचार ले, मतलब हैरानी की बात यह है कि इस सेंस को मैं अगर कहीं भी लगाऊंगा तो ये वही की इसको सेंस कर लेगा श्लोक को और श्लोक को बोलेगा। सच में बनाने वाले ने कमाल कर दिया, जिसका मेरा दिल था कि मैं दुनिया के साथ शेयर करूं। ये आप देख रहे हो कि इसमें शंख बना हुआ है, ये डिवाइस अगर शंख पे लगाएंगे तो शंख बजेगा। वाह, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी मैं समझता हूं कि वाकई दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, उन लोगों को इसके दर्शन। मेरा फर्ज बनता था कि मैं उन लोगों को भी दर्शन, जिन्होंने इसके अभी तक दर्शन नहीं किए। एक ऐसी चीज जो दुनिया के कोने कोने में पहुंचनी चाहिए, खास करके भागवत गीता, जो जैसे कि सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, वैसे ही हिंदू भाइयों के लिए भागवत गीता एक पूजन योग्य है, नमन करने योग्य है। और मैं भी दिल से नमन करता हूं और इसका सत्कार करता हूं। ये मेरे को एक गिफ्ट मिला मेरे एक भाई की तरफ से, जिसको मैंने बहुत संभाल के रखा है और बड़े प्यार से इसको पैक करके रखा है। इसके दर्शन करने के बाद मेरा भी मन किया कि मैं उन लोगों को भी दर्शन कराऊं जो लोग दिल से भागवत गीता को नमन करते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन भाइयों तक पहुंचाए, क्योंकि ऐसी भागवत गीता के दर्शन शायद ही किसी किसी ने किए होंगे। धन्यवाद।